सर हम बिहारी हैं, हमें बिहार में कंपनी चाहिए। सर हम बिहारी हैं, हमें बिहार में फैक्ट्री चाहिए। सर हम बिहारी हैं, हमें बिहार में रोजगार चाहिए। सर ना जाने हर बिहारियों के मन में ये सवाल चलता रहता है, हर वो बिहार के मजदूर अंदर ही अंदर घूटते रहता है, परेशान रहता है कि काश हमारे बिहार में भी रोजगार होता, फैक्ट्री होता, कंपनी होता, तो शायद हमको जाना नहीं पड़ता अपने देश से दूर। और ये सवाल सब लोग उठाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, सब मजबूर है और सही तरीका से कोई आवाज़ नहीं उठा पाता है। और शायद कहीं ना कहीं कितने लोग उठाते भी हैं तो उनका आवाज़ को दबा दिया जाता है। सर आपको बताते चले कि अभी नवरात्र, छठ पूजा, होली, दिवाली, ये सब का दिन नियर आ गया है, यानी कि बस कुछ ही मंथ के बाद ये सारे फेस्टिवल आपके नज़दीक आ रहे हैं धीरे धीरे। और सर बिहारी मजदूरों का अगर रियलिटी देखना है ना, तो आप स्टेशन पे चले जाएं, उन जगहों पे चले जाएं जहां से हमारे बिहार के मजदूर, हमारे बिहार के लोगों ने दिल्ली या मुंबई या महाराष्ट्र या शहर के लिए रवाना होते हैं। सर वाक्य में वहाँ पे देखने लायक होता है। और अगर सच में कोई अपने देश से प्यार करे और इस फेस्टिवल पे ट्रेन के पास चला जाए, स्टेशन के पास चला जाए, तो मुझे लगता है कि उनके आँखों से आंसू आ जाएगा। क्योंकि सर मैंने इस दर्द को देखा है और इस दर्द को समझा भी है। सर एक तरफ सोच के देखिए तो ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पे हम सब लोगों को मिलकर आवाज़ उठाना चाहिए। क्योंकि सर मजदूर का दर्द क्या होता है तब आपको समझ में आएगा जब आप दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली या छठ जैसे फेस्टिवल पे आप किसी स्टेशन पे जाके देखोगे या ट्रेन में यात्रा करके देखोगे। ये सवाल सबको पूछना चाहिए हमारे बिहार के सरकार से। क्योंकि सर जब तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाइएगा तब तक मुझे लगता है कि इस पे कोई देखने वाला भी नहीं है। आखिर क्यों हमारे बिहार में ना अच्छा कंपनी कोई बनाया जा रहा है और ना अच्छा कोई फैक्ट्री बनाया जा रहा है और ना कोई ऐसा रोजगार का साधन दिया जा रहा है जिसमें हमारे बिहार के मजदूर काम कर सके। अगर आप अपने बिहार से प्यार करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस पे ज़रूर सोचिएगा एक बार और आवाज़ उठाइएगा। सर फिर मिलते हैं कोई अगले बड़ा वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं सोनू, आप सभी को नमस्कार।